आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि ये जगह बहुत ही बड़े वाले हैं। जहां बंदर से एक बेबी नहीं संभलती, वहीं इन्होंने दो दो बेबियां रखी हुई हैं। लेकिन क्या ये लीगल है? क्योंकि ये भाई साहब मुस्लिम नहीं हिंदू है, तो फिर ये दो शादियां कैसे कर सकते हैं? और ये भाई साहब अपनी दो बेबियों को लेकर थाने के अंदर होने के बजाय टिकटॉक और यूट्यूब जैसी जगहों पर क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। अपनी शादी में पति सज धज कर नाचने का मौका हो तो किसे ना मिले, लेकिन पायल को जरूर मिला। पर अपने घर को उजाड़ने वाली इस दूसरी औरत के साथ पायल इतना नाच गाना क्यों कर रही है, और आखिर ये अपने ही पति की दूसरी शादी में इतने खुश क्यों है? तो दोस्तों, पूरी कहानी शुरू होती है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा से। अरमान मलिक का जन्म 1990 को राजस्थान के अजमेर में हुआ। अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक है, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1991 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। अरे रुके रुके, मलिक साहब के एक और बेबी से आपको मिलाना तो भूल ही गए, जो असली फसाद की जड़ है। वैसे तो इनका नाम कबाब में हड्डी होना चाहिए था, लेकिन लोग इन्हें कीर्तिका मलिक के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 20 मार्च 1994 को दिल्ली में हुआ। दोस्तों, फिल्मों में तो आपने बहुत बार देखा होगा कि लोगों को दो दो बार प्यार हो जाता है, लेकिन इन्होंने तो असल जिंदगी में ही प्यार नाम के शब्द का कबाड़ा करके रख दिया। हालांकि इनकी जिंदगी शुरुआत से इतनी अजीबोगरीब और हैरान करने वाली नहीं थी। ये सारी चीजें शुरू होती है साल 2011 से, जब पायल एक बैंक में काम करती थी और उसी बैंक में अरमान अपने सारे पैसे डालने और निकालने के लिए आए दिन पहुँच जाते थे। बैंक में ही आंखों से आंखें मिली और एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ। दोनों को एक दूसरे के साथ इतना पसंद आया कि हफ्ते भर में ही दोनों ने समाज की परवाह किए बगैर एक दूसरे से शादी फाइनल कर डाली। पायल और अरमान की स्टोरी में भी दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। परिवार वालों को इतनी झटपट वाली शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन जिस तरह बाकी भारतीय परिवार के लोग एक बार बच्चों की शादी हो जाने पर उनकी खुशी के लिए राजी हो जाते हैं, ठीक वैसे ही पायल और अरमान के परिवार वाले भी उनकी खुशियों में शामिल होने पहुंच गए। और इन दोनों के जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान कोई और नहीं बल्कि अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका थी। लेकिन बच्चों और बीवी के बीच में अरमान को घर वाली और बाहर वाली खेलने का समय कब मिला, तो जनाब अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उसे सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कृतिका को अपने और अपने बेटे की जिंदगी में लाने वाले अरमान नहीं बल्कि उनकी महान पत्नी पायल है। हाँ, भले ही उनसे गलती अनजाने में हुई, लेकिन इन सारी चीजों की शुरुआत पायल से ही हुई है। जहाँ साल 2018 के एक पार्टी में म्यूचुअल फंड के जरिए पायल और कृतिका की दोस्ती हो गई, वो भी इतनी गहरी थी कि इन दोनों ने एक दूसरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। जिसके बाद आए दिन पायल और कृतिका ने एक साथ शॉपिंग से लेकर पार्टीज में आना जाना शुरू कर दिया। पर पायल मैडम यही नहीं रुकी, इनकी सबसे बड़ी गलती तो तब हुई जब उन्होंने अपने दोस्त कृतिका और अपने पति अरमान मलिक की मुलाकात करवा दी। पहले तो पायल ने कृतिका को एक दिन अपने घर पर बुलाया, जिसके बाद कृतिका का घर आना जाना बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जब चीकू का बर्थडे आया तो फोटो और वीडियो शेयरिंग के चक्कर में कृतिका और अरमान ने भी एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। हालांकि अब तक चीजें नॉर्मल थी और इन दोनों में प्यार की आग अब तक नहीं लगी थी। पर वो कहते हैं ना, होली को कौन टाल सकता है। ऐसे में एक दिन अपने कजिन के प्रॉब्लम के चक्कर में कृतिका जब पुलिस स्टेशन पहुंची, तो वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। अब इस कंडीशन में उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड पायल के पति देव की याद आई, जिसके बाद कृतिका ने तुरंत अरमान को थाने बुला लिया। और अरमान भाई साहब भी भला अपनी साली और आधे घरवाली को कैसे मना कर सकते, इसलिए वो भी दौड़े दौड़े कृतिका की मदद करने के लिए पहुंच गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाकर मैटर सुलझाया और कृतिका को लिफ्ट भी दी। अरमान मलिक कृतिका को घर छोड़कर जा ही रहे थे कि तभी भाई साहब के अंदर का मर्द जाग गया और उन्होंने तुरंत कृतिका से पूछ लिया कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर कृतिका बहुत ज्यादा हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान को क्या जवाब, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति को अपना बॉयफ्रेंड तो बना ही नहीं सकती थी। इसलिए कृतिका ना जवाब देने के बजाय बात को वहीं पर टाल दिया। लेकिन भला कोई चीज टालने से कहां खत्म होती है। ये चीज साय की तरह कृतिका के पीछे पड़ गई। लेकिन जैसे ही कृतिका और अरमान को प्यार का एहसास हुआ, इन्होंने अपने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए डायरेक्ट कोर्ट मैरिज कर ली। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अरमान भाई साहब ने दूसरी शादी कर ली। जिस तरह अरमान ने एक हफ्ते के प्यार में अपनी पहली शादी की थी, ठीक उसी तरह अरमान ने अपने एक हफ्ते के प्यार में दूसरी शादी भी कर ली। मतलब भाई साहब का प्यार तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज चलता है। भले ही पायल आज अपनी सौतन बनी सहेली के साथ खुश
कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही पायल को अपने पति की दूसरी शादी के बारे में पता चला तो वो एक साल के लिए घर छोड़कर चली गई। अब नॉर्मल ही तो यही होता है कि बंदा अपने पहली बीवी के जाने के बाद दूसरी बीवी के साथ खुशी खुशी रहता है, लेकिन अरमान ने ड्रामेबाजी करना शुरू कर दी और खुदकुशी तक की कोशिश की। कि अरमान का कहना था कि पायल फैमिली जिन्होंने उन्होंने कभी बेटा माना था, उन्होंने ये पायल को भड़का कर अरमान के ऊपर केस करवाया। अरमान ने ये तो कह डाला कि पायल राहुल नाम के किसी आदमी के साथ रह रही थी। इन सारी चीजों को देखकर लोगों का यही कहना है कि आज ये लोग हंसी खुशी एक परिवार की तरह इसलिए रहते हैं क्योंकि इनकी एक हस्बैंड दो लाइफ वाली कहानी लोगों को बहुत पसंद आती है, जिसके चक्कर में इन्हें अपने वीडियोस में खूब सारे व्यूज मिलते हैं और उसी का ये लोग पैसा कमाते हैं। ये सब तो कुछ भी नहीं है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरमान का असली नाम संदीप और ये भाई साहब ने दो दो शादियां करने के लिए अपने आप को मुस्लिम धर्म में बदल दिया, क्योंकि इस्लाम धर्म में दो शादियां अलाउड है। तभी तो जब बात इनके रिलीजन की आती है तो अरमान की कुंडली में उनका धर्म कभी हिंदू दिखाया जाता है तो कभी मुसलमान, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक इंसान पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे अगर ये सब इनलीगल है तो अरमान सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। दोस्तों, दो शादियों वाला जो क्राइम है उसमें जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक पुलिस एक्शन नहीं ले सकती, और पायल मैडम तो खुद ही खुशी खुशी अपनी सौतन के साथ रह रही है तो भला अपने पति को जेल क्यों भेजेगी। इसीलिए परिवार सलाखों के पीछे नहीं बल्कि यूट्यूब पर तहलका मचा रहा है। अब आपका अरमान मलिक के परिवार के बारे में क्या विचार है कमेंट्स में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।